आज चौथे दिन भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के फिल्म क्रैक फाइटर का राज चल रहा है। बिहार और झारखंड में इस फिल्म की दीवानगी लोगों में दिख रही है बार बार। अभी तक सोशल मीडिया पर न जाने कितनी सारी ऐसी वीडियोज सामने आ गई हैं जिसमें क्रैक फाइटर को देखने के लिए लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, शोर मचा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और भारी भीड़ के साथ इस फिल्म को दे रहे हैं अपना आशीर्वाद। इस फिल्म पर मिले दर्शकों के रिस्पांस को देखकर फिल्म की पूरी टीम काफी खुश है, खासकर फिल्म के राइटर वीरू ठाकुर जिन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा। फिल्म के हिट होने के बाद वीरू ठाकुर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उनसे ये सवाल किया गया कि आपने इस फिल्म का नाम क्रैक फाइटर क्यों रखा। तो वीरू ठाकुर ने बताया कि मैं सुजीत कुमार सिंह के साथ मिलकर भारत माता की जय फिल्म के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी तक हमने सोचा कि इस फिल्म से पहले एक और अच्छी फिल्म लेकर हमें दर्शकों के बीच आनी चाहिए। जब तक हमारे सामने से एक ट्रक गुजरा और उस ट्रक पर लिखा था क्रैक फाइटर। क्रैक फाइटर से मेरे दिमाग में एक सोच आई कि भारत में फाइटर वही है जो हमारे देश के सैनिक और सिपाही है, जो क्रैक होकर बिना अपनी परवाह किए दुश्मनों से लड़ता है 24 घंटे और पूरे देश की रक्षा करता है। क्यों ना ऐसी ही देशभक्ति पर बनी फिल्म हम बनाएं। और तभी सुजीत कुमार सिंह ने भी मुझे कुछ कहानी का आइडिया दिया और मैंने फिल्म को लिखना शुरू कर दिया। हम दोनों ने मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है और मुझे पहले भी उम्मीद थी कि फिल्म को जब भी दर्शक देखेंगे तो पसंद करेंगे, क्योंकि पवन सिंह हर किरदार में आसानी से ढल जाते हैं, इसलिए मैं अपनी फिल्मों में उन्हें ज़्यादातर देखना चाहता हूँ। वीरू ठाकुर ने अभी तक काफ़ी सारी फिल्मों को लिखा है, काफ़ी सारे गानों को लिखा है, उनकी हर फिल्में लगभग हिट साबित होती हैं। साथ ही पवन सिंह और सुजीत सिंह के साथ जब भी वीरू ठाकुर ने काम किया है उनकी फिल्म काफ़ी हिट रही है। इससे पहले सत्या फिल्म भी बहुत हिट साबित हुई थी। तो इससे एक बात तो समझ आ जाती है कि क्रैक फाइटर पवन सिंह की फिल्म का नाम एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का नाम क्रैक फाइटर रख दिया और रिलीज होते ही हर जगह इस नाम का शोर भी मच गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।